बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं इन सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा इंटीजर और उसको नेम दूंगा मैं ए। ए इज इक्वल टू 10। तो ये ए को मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दिया है, ये हमारा जो है इज इक्वल टू 10 है। अभी एंटर। तो यहाँ पर मैं दोस्तों इफ स्टेटमेंट दूंगा, उसको कंडीशन दूंगा। तो इफ इसमें मैं लिखूंगा इफ ए इज इक्वल टू सॉरी इफ ए इज लेस देन 50। अगर ये जो ए को मैंने वैल्यू दिया है 30, अगर ये 30 50 से लेस है या कम है तो अब यहाँ पर हमारा जो हम लोग उसको कंडीशन देंगे ए 50 से लेस है तो हमारा ये जो कोड है ये रन होगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये कोड हमारा रन नहीं होगा। तो हम लोग उसको देंगे सी आउट, हम लोग यहाँ पर एक मैसेज देंगे फॉर एग्जांपल हाय हैंडल के। दोस्तों अगर ये थ्रू हो गया तो हमारा ये जो है ये रन होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये रन नहीं होगा, वो आएगा यहाँ पर और जो कोड हम लोगों ने दिया है उसको रन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक और वो देंगे सी आउट सो नॉट part of the loop। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा ये कंडीशन अगर ये थ्रू था तो पहले वो ये कोड को रन करेगा, फिर बाद में आएगा इस कोड पे और ये हम लोगों के लिए रन करेगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये कोड को छोड़ के वो आएगा डायरेक्ट इस कोड पर और ये हमारे लिए रन करेगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हमारे लिए ये मैसेज प्रिंट किया, वो फिर उसके बाद आया नॉट पार्ट ऑफ द लूप। तो क्योंकि ये हमारा जो ये कंडीशन था ये थ्रू था, क्योंकि 50 ग्रेटर देन 30 है। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि ये इसको हम लोग अभी 20 बना देते हैं, क्योंकि अभी 20 तो ये तो फॉल्स है क्योंकि ये 30 से ज़्यादा नहीं है। ये हमारा 30 जो है ये 20 से लेस नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। अभी ये हमारे लिए ये कोड को रन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आएगा इस कोड पर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो डायरेक्ट आया है नॉट पार्ट ऑफ द लूप, उसने जो पहले वाला कोड जो हम लोगों ने दिया है इसको रन नहीं किया क्योंकि ये फॉल्स हो गया, तो वो डायरेक्ट इस पर आ गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल इफ स्टेटमेंट का ट्यूटोरियल। तो उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।